सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। और आज मैं अकेला ही वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, मैं हूँ आसिम भट्ट, और आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आपको थोड़ी सी ना इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो कहते हैं कि इलम जितना बांटे हैं तो बढ़ता है। अच्छा जी, आज आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ। वो इंफॉर्मेशन है जो है ना, कहते हैं ना कि इलम जितना बांटो उतना जो बढ़ता है। तो इलम भी और इन्फॉर्मेशन ऐसी जिससे जो है ना बंदे की सेहत भी अच्छी हो। तो ये है कि अक्सर देखा गया है कि लोगों को जब डॉक्टर वगैरह रिकमेंड करते हैं कि आप सरसों का ऑयल जो है ना वो इस्तेमाल करें खाने में, तो उसकी जो है ना स्मेल जो है ना काफ़ी ज़्यादा होती है। अक्सर लोगों को देखा है कि जो है ना वो ये कहते हैं जी उसकी स्मेल काफ़ी ज़्यादा है। तो उसका क्या तरीक़ाकार हो कि उसकी स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो आज ये इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी अरसे से मैं जो घर में जो सरसों का ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ, और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं ये हम आपको इन्फॉर्मेशन बताते हैं। क्योंकि सरसों का ऑयल जो है ना सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और ये ना तो खुद जमता है और ना किसी को जमने देता है। और ख़ास तौर पर आजकल जो भी कोई बंदा बीमार है उसको डॉक्टर यही रिकमेंड करता है कि आप जो है ना सरसों का ऑयल जो है ना वो इस्तेमाल करें। तो चलें फिर आपको ना उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं, बल्कि इन्फॉर्मेशन क्या करके दिखाते हैं। तो वीडियो देखें और उसको जो है ना घर में बनाएं। चलें जी बनाते हैं। ये देखें जी, 2 लीटर हमने सरसों का ऑयल ले लिया और इसको ना गर्म कर रहे हैं हम। ये तरीक़ाकार आपको कोई नहीं बताएगा ना कोई समझाएगा। अब ये इसको ज़रा गर्म होने दें, इसके बाद देखिएगा हम क्या करते हैं। ये देखें जी, ये फुल गर्म हो गया। अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर, इसको जो है ना जो असल वर्ड यूज़ करते हैं ना फाड़ना, अब इसको फाड़ेंगे हम। अच्छा, ये ऐसा करते हुए आपने बड़ी एहतियात करनी है क्योंकि जो है ना ऑयल की छींटें बहुत ज़्यादा उड़ती हैं, तो उससे जो है ना आपने बचना है। तो देखिए अब हम इसको ना करते हैं ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये ऐसे थोड़ा सा पानी इसमें डाल, ये इस तरह की आवाज़ें आएंगी। ये बॉइलिंग पे है इस वक्त, पानी जो है ना उसके अंदर गोल रहा है। ये देखें जी, हमने 2 लीटर में 1 गिलास पानी जो है ना वो डाला है, और इससे ये फुल खोल रहा है पानी। ये कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। ये देखें, ये देखें फुल जो है ना ऑयल खोल रहा है और पानी जो है ना उसके अंदर पक रहा है, इससे इसकी ना स्मेल ख़त्म हो जाएगी। ये इस तरह की आवाज़ें आएंगी। ये बॉइलिंग पे है इस वक्त, पानी जो है ना उसके अंदर गोल रहा है। ये जब रेडी हो जाएगा आप लोग पहचान नहीं सकोगे कि ये सरसों का ऑयल है या कोई और ऑयल है, और इसका टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। तो दोबारा देखते हैं अब ये मुकम्मल हुआ या नहीं हुआ। ये देखें जी, ऐसा ऐसा ये हो रहा है। अब जब इसमें से पानी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर ये रेडी हो जाएगा। और चीज़ है, जब भी आप इस तरह का काम करने लगें तो मिट्टी का बर्तन जो है ना वो इस्तेमाल करें, उसमें जो है ना ये जो है ना ज़्यादा छींटे नहीं उड़ेंगी, तो ये काम बड़ा आसान हो जाएगा। इसलिए जो है ना मिट्टी का बर्तन जो है ना वो बेहतर रहता है। ये देखें, तकरीबन जो है ना पानी इसमें से ख़त्म हो चुका है, तो अब ये रेडी है। अब इसको हम जो है ना रख लेंगे, इसको ठंडा करके रख लेंगे, तो जो है ना किसी भी खाने में इस्तेमाल करना हो या आपने कोई फ्राइज़ करनी हो कोई चीज़, उसमें इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो थी इसकी जो है ना रेसिपी। इसको बेसिकली कहते हैं ऑयल को फाड़ना या ऑयल की स्मेल चेंज करना। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और करते हुए इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए ऑयल को जो है ना इसकी स्मेल चेंज करें
और इसको इस्तेमाल करें, और मुझे ज़रूर बताइएगा अपने मैसेजेस और जो है ना कमेंट्स वगैरह में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इसमें। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। तो इंशाल्लाह कई इंफॉर्मेशन की वीडियो जो है ना वो आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। और जिस जिस भाई को इस वीडियो से फ़ायदा हुआ वो कमेंट्स करके नीचे बताए ज़रूर। ठीक है जी, चलें आज तक के लिए इतना ही। अब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। ये देखें, 2 लीटर हमने पेट्रोल